I want to start by asking Vikrant first about the role and this film. And you're sitting next to a person who has an incredibly difficult real life story, which leads him to success when he clears the UPSC. When you looked at it, I was speaking to Vidhu Vinod Chopra at the screening, you really went deep into trying to prepare to get into the skin of Manoj's character? Yeah, I had to. There was no other way. I had read the book and it kind of really churned something within me. Even before I had read the script, I knew I had to do this film. And my priority was to justify this person who already was an inspiration for me, but for the youth, for the nation, jinke liye ye film bani hai. And I really had to go all out. I did spend like almost a year and a half preparing for 2 months of shoot. And that is how Mr. Vidhu Vinod Chopra works. He's absolutely thorough with his prep. But this is a very special film, as you've also said. You know, you've seen the film and you've said he's had such an incredible life. The idea was to do justice to his journey, to the story, the book, and inspire people, actually. And if this had just been a regular fictional account, yeah, then it maybe wouldn't have been such a big deal. The fact that there's a real person on whom this is based makes it that much more special, because it captures the journey of what they call in the film Bhed Bakri, like millions of these young aspirants from small town India trying very hard to break into the UPSC. Or jaise main film dekh raha tha Manoj ji, mere zehen mein ek hi sawal chal raha tha ki ye asli kitna hai, farzi kitna hai. Ye jo struggle dikhaya gaya hai, jis had tak dikhaya gaya hai, kya waqai mein aata peesne se leke library mein raat ko padhai karne tak, din bhar kaam karne se lekar जो जो चीजें दर्शाई गई उनमें से सच्चा कितना है आपकी जिंदगी में वास्तव में हुआ और कितना क्रिएटिव लिबर्टी है? दरअसल क्या है कि आप किसी भी ऐसे लड़के को देखेंगे ना जो किसी छोटे गांव से आया है और जिसको अपनी जगह बनानी है, उसको सिर्फ आप ऑब्जर्व कर लीजिए, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 6 महीने ऑब्जर्व कर लीजिए, आप महसूस करेंगे कि वो सब कुछ वो कर रहा है जो उसको दिखाया गया है। क्योंकि लाइफ इतनी हार्ड है बाहर, गाँव की लाइफ और शहर की लाइफ में बहुत अंतर है। दूसरी बात, जब आप के पास कुछ नहीं है और आपको हर चीज़ के लिए जगह ढूंढनी है, खाने के लिए जगह ढूंढनी है, आपको रहने के लिए जगह ढूंढनी है, कपड़े के लिए जगह ढूंढनी है, आपने पूरी मूवी देखी होगी तो आपने महसूस किया होगा कि विक्रांत ने पूरी मूवी में सिर्फ 2-3 शर्टें पहनी है, बिकॉज मेरे पास 2-3 शर्टें ही थी। आपने देखा होगा पूरे उस दौर में कि हर चीज़ को विधु विनोद चोपड़ा ने रियल बनाने के लिए इतना स्टडी किया। हम लोगों ने इस मूवी पर 4.5 साल काम किया है। 4.5 साल में विधु विनोद चोपड़ा जी ने हर चीज़, मेरा घर, मेरा गाँव, मेरा जो परिवेश, वो सब देखा। तो वो स्ट्रगल की कहानियाँ हर जगह वैसे ही हैं, इसलिए इसमें कुछ भी नकली नहीं है। थोड़ी बहुत क्रिएटिव लिबर्टी तो देनी ही पड़ेगी आप डायरेक्टर को, लेकिन ये किताब अगर आप देखेंगे, अभी आप जब मनोज को देखते हैं तो उन्होंने बढ़िया सा जैकेट पहना हुआ है, अच्छी सी शर्ट पहनी हुई है, एप्पल की वॉच पहनी हुई है, और ऐसे में देख के लगता है कि क्या ये वाकई में सारी चीज़ें किसी के साथ हुई या फिर इसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया। तो आप बोल रहे हैं कि ज़्यादातर चीज़ें 19 साल हो चुका है को मनोज जो स्ट्रगल करके बाहर बना, अभी मेरे को सर्विस में लगभग 18 से 19 साल। हमें दर्शकों को बताएं कि अभी आप क्या करते हैं? मैं अभी DIG हूँ, डेपुटेशन IPS हूँ महाराष्ट्र कैडर का, और अभी डेपुटेशन पर हूँ CISF में, और मुंबई एयरपोर्ट का CISF का इंचार्ज हूँ। तो क्या वाकई में भी असल जिंदगी में उतने ही ईमानदार हैं जितना कि आप इस फिल्म में बनने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर जैसे अक्सर होता है IAS IPS में लोग छोटे छोटे शहरों से आते हैं बड़ी उम्मीदें लेकर, लेकिन सिस्टम और उनकी खुद की हरकतें उन्हें भ्रष्ट बना देती? अगर मैं ईमानदार नहीं होता तो ये मूवी नहीं बनती, ना ही ये बुक आती। आपका नहीं, वो तो शुरू में थे, मैं भी की पूछ रहा हूँ, मैं भी की बात कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आप सिलेक्ट होने के बाद, IPS बनने के बाद आप डिबेट होते ना, तो डिबेट होने के बाद फिर आपके पास में कुछ बचता ही नहीं बोलने के लिए। क्योंकि आप जो मनोज थे, जैसा मनोज विक्रांत ने जिया है, उसके बाद का मनोज भी वैसा ही है। क्योंकि मनोज ने आज भी अपनी ओथ जो हम लोग अकेडमी में लेते हैं, पुलिस अकेडमी में, सरदार वल्लभ भाई पटेल अकेडमी में, वो ओथ आज भी अपने पीछे लगाई हुई है, और उस ओथ को पूरी तरह से पालन करने के कारण ही पूरे महाराष्ट्र में मेरे को एक ईमानदार ऑफिसर के रूप में जाना जाता है। Now, may there two things can happen. One, people will watch this and say, oh my God, what a journey and how tough it is to get into the UPSC. I was doing some research. Now, in the recent examination, 11,35,000 people applied for the preliminary test to get into the UPSC. 5,73,000 students, that's more than 500,000, took the exam.
Out of them, 13,000 qualified for the main exam, 2,500 qualified for the interview, 933 got selected. That's a percentage of 0.16% chances of getting through. If you compare and contrast this with Harvard University, for example, 61,000 applied, 3.19% got through. So it's much easier to get into Harvard University and Ivy League University than it is to get into the UPSC. Now, when people can see this, they can say, "Re, par meri zindagi bhi to aisi thi." So if you come from a certain section of society, you can say, "But what's the big deal?" As he's saying, there are millions of people like him. Or you can say, if you've not been conditioned to grow up like that, what a phenomenal story. Do you think this film has the potential of commercial success? Are you largely thinking this is a film which serves a social purpose? I truly believe that this film, like we've always said, that this film is based on two people. It's based on Manoj sir's journey and Shraddha ma'am's journey, but it's inspired by a million true stories, because you don't necessarily have to come from a certain stratum of society to have struggles in life. From every strata of society, people face struggles of different kinds. We're fighting internal battles, external battles. So I think every single person will relate to Manoj Sharma and Shraddha Joshi and other characters in the film, because everyone will see a part of their own struggle in the film. No, but there'll be those, Medha, who look at what happens in the film. I don't want to give too much away. I watched the film, remember, I don't want to get carried away and take some of the surprise away. But what Shraddha does, Medha, which is remarkable, is she stands by Manoj even when it isn't certain whether Manoj will make it through to the UPSC or not. He's still in the process and she's qualified for a government job. Yeah. Is that something that stands out to you as being remarkable, that this woman who's in love with this boy stays with him even when it's not known whether he'll actually get through to a government job or not? Like you said, it's absolutely remarkable. It takes, like I said, it takes a certain kind of a person that Shraddha ma'am is, because it's easier to give yourself belief and courage and hope and everything to achieve your own dreams, but to give all of that to the person that you love, is you need to be a remarkable person to be that. And she's done that time and again through thick and thin, and she stood by him. She's been the silent force behind Manoj sir's struggle, and it's absolutely remarkable. That is the reason this love story, there's a film being made on this love story. It's absolutely stunning. And how much ever I've gotten to know Shraddha ma'am, I know deeper layers to her and to their love than what's shown in the film. So Shraddha, is film mein dikhaya gaya hai ki aap ek aise waqt pe Manoj se pyar karne lagti hain jab Manoj ke paas kuch bhi nahi, bhavishya ki koi guarantee nahi hai, UPSC clear hoga ya nahi, iske bare mein kuch bhi kehna sambhav nahi, zyadatar chances hain ki na ho. Aapki usse pehle ek sarkari naukri lag jati hai, फिर भी आप मनोज के साथ रहती हैं. कई सारे लड़के और लड़कियां जब ये देखेंगे बोलेंगे कि लव स्टोरी हो तो ऐसी, असल जिंदगी में क्या हुआ और कैसे और क्यों? नहीं, मुझे लगता है कि ये जो बात है कि जब उस समय हम साथ में हैं जब कुछ भी नहीं है, जैसे उस समय ना प्री हुआ है ना मेंस हुआ है तो कुछ पता नहीं है, पर शायद इसीलिए हमारा साथ इतना मजबूत है क्योंकि हम उस स्ट्रगल के दौर में हमने एक दूसरे को यस बोला जिस समय. और मुझे लगता है कि मनोज का किरदार इतना स्ट्रॉन्ग था या वो उसका अट्रैक्शन इतना इंपॉर्टेंट था. मुझे एक लाइन याद आ रही है कि फिल्म से कि रियल लाइफ से? नहीं, वे जस्ट लाइन, एक शेर याद आ रहा है. इतर से महकना एक और बात है, मजा तो तब है जब किरदार से खुशबू आए. वाह, क्या तो वो जो किरदार की खुशबू. मैं देख रहा हूँ आप भी काफी फिल्माना बन गई है, आपका भी अंदाज काफी फिल्मी बन गया है. बिल्कुल बिल्कुल, 4.5 साल से विदु सर के साथ हम लोग भी इस जर्नी में पार्ट है. तो मुझे हमेशा इस दौरान आपके काम का क्या हो रहा था? आप काम कर रही थी 4 साल से सरकारी नौकरी छोड़ के, आप फिल्मी बना रही हैं? नहीं, हम लोग नहीं कर रहे थे, पर 4 साल से विधु विनोद चोपड़ा जी को इस पर काम करते हुए देख रहे हैं. एक्चुअली उसके पहले हमें पता भी नहीं था कि ये फील्ड में इतना मेहनत लगती है. हमारा काफी परसेप्शन चेंज हुआ और इतना उन लोगों ने पूरा का पूरा जानने की कोशिश की कि कैसे स्ट्रगल हुआ था, वहां जाके उस जगह में देख करके क्या चुनौतियां हैं वो देखा. पूरा जो चर्चा हुई विक्रांत और मनोज के साथ में, या मेधा और मेरा, हम लोग जब बैठ करके हम लोगों ने डिस्कशन किया, जानने की कोशिश की, बुक को पूरी तरीके से पढ़ के, जिस तरीके से पूरा मनोज की डायरी, मनोज की हैबिट है डायरी लिखने की, तो एक एक बात तो उन डायरियों में लिखी हुई है जो जो घटता चला गया. तो जिस तरीके से वो मेहनत से इतना ये बना है, तो इट्स अमेजिंग. और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, यू रियली कैन नॉट अडैप्ट एवरीथिंग फ्रॉम द बुक यू नो इनटू अ फिल्म. There were so many things that he did जो फिल्म में नहीं है. इन्होंने दिल्ली में जब मुखर्जी नगर में तैयारी कर रहे थे तो डॉग वॉकिंग भी की है इन्होंने. ये कुत्ते घुमाते थे,
कितने 80 रुपये 100 रुपये मिलते थे? एक कुत्ते का 400 रुपये, एक कुत्ते का 400 रुपये मिलता था। तो ये आप बताइए इस बारे में कि ये इसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि जब श्रद्धा को, मुझे लगता था कि श्रद्धा को मालूम चलेगा तो श्रद्धा बोलेगी ये क्या काम कर रहा है, और मैं छुपा छुपा करता था शाम के टाइम रात के टाइम पे। पर एक दिन श्रद्धा ने देखा तो श्रद्धा भी ने कहा मैं भी साथ चलना शुरू करती हूँ। तो वो एक्चुअली मुखर्जी नगर का जो दुनिया है और नेहरू विहार और गांधी विहार की जो दुनिया है ना, उसमें लाखों बच्चे ऐसे ही कर रहे हैं, कोई कैसे भी पैसा कमा रहा है, कोई किसी यहाँ पढ़ा रहा है। मैं तो कितने लोगों के दरवाजों पर घंटी बजा बजा करके गया हूँ कि भाई मुझसे कुछ पढ़वा लो यार, मैं तुम्हारे बच्चों को कुछ पढ़ाऊँगा कुछ पढ़ाऊँगा। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि उनको एक आदमी गारंटर चाहिए, अब गारंटर कहाँ से लाऊँ मैं, नंबर एक। नंबर दूसरा, उनको इंग्लिश पढ़वाना है, मैथ पढ़वाना है, न मेरे को इंग्लिश अच्छे से आता था न मेरे मैथ अच्छे से आता था, हिंदी हिस्ट्री कौन पढ़वाएगा। तो अल्टीमेटली वो नहीं कर पाया मैं, तो कई काम करने पड़े और बहुत बच्चे कर रहे हैं। मैं बहुत बच्चों को जानता हूँ, अभी भी UPSC के लड़के हैं, MPSC के लड़के हैं, SSC के लड़के हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, वो काम करके अपना काम कर रहे हैं। ये काम करते हैं, होटल में काम करते हैं, शाम को फिर पढ़ते हैं, कहीं और काम करते हैं फिर पढ़ते हैं। तो ये जो निम्न वर्ग है, जो गरीब आदमी है, उसके पास विकल्प नहीं है कुछ भी इसके अलावा। वो अपने आप को स्टैंड करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी उसको। हर एक आदमी को, एक पीढ़ी को मेहनत करनी पड़ती है, कोई भी पीढ़ी हो, चाहे वो मैं करूँ तो मेरे बेटे को कम करनी पड़ेगी, या मेरा बेटा कर लेगा तो उसकी बेटे को कम करनी पड़ेगी। आप देखिए ना, किसी से भी आप बात कीजिए, आपके कोई भी जो बुजुर्ग होंगे वो क्या बोलेंगे, बेटा हम ऐसे करते थे, हम तुम्हें याद नहीं है, हम वहाँ से पैदल जाते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने किया, इसलिए दूसरी पीढ़ी को नहीं करना पड़ा। तो हर दुनिया, पूरे इंडिया में आप कहीं भी देख लीजिए, हर एक पीढ़ी को में से एक आदमी को मेहनत करनी पड़ती है, वो मैं था। यू नो माय फादर वाज इन द इंडियन आर्मी, आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू स्टडी इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्कूल्स, फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल्स टू वेरी टोनी एलीट पब्लिक स्कूल्स। एंड वन ऑफ द थिंग्स दैट शोन इन द फिल्म इज मैथ्स चीटिंग, वेयर इट्स शोन दैट मनोज एक्चुअली फेल्स हिज 12th एग्जाम्स बिकॉज ही डजंट वांट टू चीट। And I've seen that happen in real life. There's lots of cheating happening. And one of the things that you're trying to do, Manoj, in the film is कि आप system को सुधारना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप IPS इसलिए बने ताकि आगे चलकर इस तरह की जो कुरीतियाँ हैं वो ना हो, cheating ना हो। क्या कुछ बदलाव आप कर पाए हैं, या आपको लगता है कि system इतना बड़ा, इतना भ्रष्ट है कि system को change कर पाना बड़ा मुश्किल है? नहीं, ऐसा नहीं। system चाहे कितना ही बड़ा हो, अंतर तो पड़ता है। जैसे मैं जिन जिलों में SP था, मैं DCP था, मैं मुंबई मेडिसिन CP था, तो जिस जगह पे मैं रहा हूँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैंने कम से कम करप्शन में 50-60% तो कम किया है अपने इंडिविजुअल लेवल पे, मतलब जिले के लेवल पे, पूरी पुलिस फोर्स में। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैंने हर उस गरीब आदमी के लिए दरवाजे खोल के रखे जिसका कोई नहीं है। हो सकता है अमीर आदमी के लिए नहीं खोल पाया हूँ, क्योंकि उसके लिए बहुत लोग हैं करने के लिए। तो करने के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और UPSC में जब सिलेक्ट आप होते हैं तो आप यकीन मानिए कि वो आप समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि एक महात्मा गांधी की कोटेशन है जिसमें वो बोलते हैं कि दूसरों के लिए करोगे तो सफल होगे कि नहीं पता नहीं, सफल तभी हो सकते दूसरों के लिए सोचो। अपने आपके हिसाब से अगर 100 इस वक्त IPS के अधिकारी हैं, उनमें से ईमानदार कितने होंगे और भ्रष्ट कितने होंगे? काफ़ी ईमानदार लोग हैं। फिर भी मैं 10% 20% मैं ऐसा मानता हूँ कि कम से कम 50% लोग, 60% लोग ईमानदार हैं। जिस बंदे ने अपने कंधे पर अशोक लगाया है, अशोक लगाने के बाद कंधे मजबूत बहुत हो जाते हैं। और वो कंधे जब मजबूत होते हैं ना, वो इसलिए होते हैं क्योंकि आप खुद ईमानदार शुरू से हैं, और फिर ट्रेनिंग आपको ऐसी मिलती है, 1.5-2 साल की ट्रेनिंग होती है। 2 साल की ट्रेनिंग में क्या क्या वो सिखा डालते हैं आपको, OLQ ऑफिसर लाइक क्वालिटी डाल लेते हैं, और हम संविधान की ओथ लेते हैं, हमारे लिए समाज में जाति धर्म वगैरह कुछ नहीं रह जाता। और दूर से देखने में हो सकता है कभी लगता हो कि पुलिस प्रेशर में, या लगता हो कि कभी पुलिस उतना अच्छा नहीं कर रही है, लेकिन पुलिस के जूतों में अगर आप पैर रखेंगे ना, तब समझ में आएगा कि पुलिस इतना ज़बरदस्त काम कर रही है। अपने देश में अगर पुलिस को थोड़ी देर के लिए अपन माइनस करें ना, तो बहुत दिक्कत होने वाली है। So, Vikrant, while this is a film with a strong message, and that message will certainly resonate, are you concerned that maybe it's too intense by the standard of Bollywood fare for it to have commercial prospects of success? Vidhu Vinod Chopra also made 3 Idiots, but that had a big star cast, right? So, while it had a social message, it had a star cast. Here's a film where he's gone all out with a social message. Does that undermine, in your view, the prospects of commercial success? There are many kinds of films that are made. You know, we are the largest film industry. In 365 days, we make nearly 1,800 films. So there are all kinds of films. I very strongly believe that we have a very good film at hand. And the intent with which we've made this film will definitely resonate with not just the students, the parents as well, and most of the people. I think box office success or commercial success, as you're putting it, is concomitant with quality work. Our consumption patterns have changed in the last 4-5 years, especially because of OTT platforms.
we are watching a lot of international stuff, regional stuff. So much of regional cinema has now got a platform in the last 4-5 years. I am very, very confident that we will achieve commercial success as well. And it will resonate with people because we've made a very good film at hand. You know, when we were at the screening, one of the things that Dr. Kiran Bedi and some of the other senior officers who are watching it along with us said is that, does this put too much pressure, Shraddha, to succeed? Where the core message is that you succeed, Manoj succeeds, fantastic. What does it do to those who don't succeed? Because you're building up, you're celebrating the success of that one person who makes it despite all the odds through the system. Par un sab ka kya, jinhone mehnat ki, par jo pass nahi hue, jo clear nahi kar paye test. I think you were there on that day when the screening was done. So if you have seen, there was a scene in the interview when the interviewer asks Manoj, I don't want to reveal each and everything over here today, but when they ask, then Manoj talks about his Lakshya of life. So this is not just a success in one exam. So we are talking about whole success as a concept. So it's not about just succeeding in one exam. It is about taking some positive goal in your life, putting your sincere effort towards that and achieving something. So it's not just achieving and succeeding in one exam, but it is about positively moving ahead. It is about a team spirit. It is about perseverance. It is about hard work. और वो जो जिद है आगे बढ़ने की, फिर आप कहीं ना कहीं तो पहुंचते ही हैं. मतलब उस प्रोसेस में, इवन इफ यू टॉक अबाउट यूपीएससी, यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है, जब आप उसमें पढ़ते हैं तो आप इतना कुछ जानते हैं, वो नॉलेज का लेवल यहाँ तक बढ़ता है कि फिर आप जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा कर ही जाते हैं. जैसे अगर हम हमारे ग्रुप को देखें तो आज कई हमारे साथ के लोग अलग अलग फील्ड्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो हमारा ग्रुप था. सो इट्स जस्ट नॉट अबाउट वन एग्जाम, इट्स अबाउट टेकिंग पॉजिटिव एफर्ट टुवर्ड्स. हाउ डिफिकल्ट वाज इट फॉर यू, given your real life background, to identify with the struggle of the character that you were portraying and her partner? It's very surreal, but Shraddha ma'am and I have a lot of commonalities. Every time we sat down to talk, it just sort of, we realized that there are so many, our worldviews is very, it's very similar. So the struggle of Manoj sir, of course, was, I don't come from that background, so that for me was new, just like it was for Shraddha ma'am. But relating to Shraddha ma'am, it kind of came naturally to me, because for some surreal reason we were kind of similar in a lot of sense. So yeah, but there was a lot of preparation for the role. I've met ma'am multiple times. There was a characterization that I did on my own. I did my research on the students. I watched a lot of YouTube videos of Drishti students to get into the shoes of these students that undergo so much pressure and the backgrounds that they come from. So yeah, there's been a lot of prep. आपके हिसाब से UPSC का जो interview है वो clear करना कितना मुश्किल था? क्योंकि जैसे दिखाया भी गया और ज़िंदगी में भी होता है कि कई सारे जो interviewers होते हैं वो खुद अच्छे background से आते हैं. और ऐसे में कोई हिंदी मीडियम का छात्र अगर किसी तरीके से मेन का एग्जाम क्लियर करके पहुंच भी जाए, क्या आपको लगता है कि वाकई में आज भी उनके खिलाफ बहुत भयंकर बायस है, या आपको लग रहा है कि अब थोड़ा बायस कम हो रहा है? इसको बायस नहीं बोल सकता मैं, एक्चुअली पूरे देश का माहौल ही थोड़ा अलग है. इस पूरे देश के माहौल में एक ऐसी भाषा को हम लोगों ने अपने अडॉप्ट कर लिया है जो भाषा न तो गाँव में चलती है, ना शहर में चलती है, न वो किसी भी सरकारी जगह चलती है. हम लोग दो जीवन जी रहे हैं, एक जीवन जो हम जी रहे हैं घरों में, परिवार में, समाज में, और एक जब हम ऑफिस पहुंच के बात कर रहे हैं. तो वो दो जीवन, इंग्लिश वर्सेस हिंदी. तो मेरे को अभी भी समझ में नहीं आता है कि हिंदी और रीजनल लैंग्वेज को हम क्यों ऊपर नहीं उठा पा रहे हैं, जबकि हम सोच उसमें रहे हैं, सो उसमें रहे हैं, खा उसमें रहे हैं, बैठ उसमें रहे हैं. मुझे कहीं कहीं लगेगी दर्द, कहीं भी चोट लगेगी तो सबसे पहले मेरे हिंदी मुँह से निकलता है. फिर भी हमको क्यों बार बार सोचना पड़ता है कि इसका मैं क्या करूंगा, ये टेंस ठीक होगा कि नहीं होगा, शायद गड़बड़ हो जाएगा. ये जो इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स डाला जा रहा है ना हमारे अंदर, उसके मैं बहुत खिलाफ हूँ. और इसीलिए मुझे लगता है कि चाहे यूपीएससी का इंटरव्यू हो या कोई भी इंटरव्यू हो, नहीं केवल भाषा की बात नहीं है. एक चंबल मोरैना के छोटे से गाँव से निकला छात्र जो कि एक सरकारी स्कूल में पढ़ा हो, वो इस एग्जाम के दौरान, न केवल रिटन एग्जाम में बल्कि इंटरव्यू के दौरान, स्पर्धा कर रहा है उन बच्चों से जो कि बड़े बड़े पब्लिक स्कूल्स में पढ़े हैं, जो कि एक अलग सामाजिक बैकग्राउंड से आते हैं.
तो भाषा का और समाज का दोनों का क्लैश है। यस डेफिनेटली। कितना मुश्किल होता है ऐसे में किसी छोटे से गांव से निकले छात्र को मुकाबला करना मुंबई दिल्ली लखनऊ किसी बड़े शहर से निकले छात्र। यही ये सेम आपने एक मूवी में एक डायलॉग देखा होगा कि बिना ऑक्सीजन के आगे बढ़ना, नंगे पैर पर आगे बढ़ना। तो ये जो लड़के हैं या जो लड़कियां हैं वो बिना ऑक्सीजन के आगे बढ़ रहे हैं। और उसमें होता है कि यहाँ आते हैं ना तो इतनी सारी चीज़ें अलग होती हैं, अलग तरीके की होती हैं। जैसे मैं सर्विस में भी ऐसे सेम है। तो ये जो अभिजातता है, जो एरिस्टोक्रेसी है, जिसको हम बोल सकते हैं कि समाज में आगे बढ़ने की के लिए आपको समाज के नए तौर तरीके अपनाने हैं, उसमें फिट नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि मैं 6वीं क्लास में जब गया तो मैंने सीखा ए बी सी डी। अब मेरा बेटा अभी पढ़ता है तो मेरा बेटा अभी हिंदी में कमज़ोर है, वो इंग्लिश में बहुत अच्छा है। अब उसके लिए बहुत ईजी है। ऐसे ही मैं अपने पूरी जीवन में थर्ड एसी में बैठा जब मेरा सिलेक्शन हो गया। उसके पहले थर्ड एसी मैंने देखा ही नहीं था। उसके पहले मैं थर्ड एसी देखने के लिए जो लोग आते थे उनको लेने जाता था, एक बार देख तो लूँ अंदर से कैसा होता है। अब मेरा बेटा शुरुआत से हवाजहाज में बैठ रहा है। तो अंतर तो बहुत है, उस अंतर को कैसे हम दूर करेंगे पता नहीं। लेकिन देयर इज अ कास्ट सिस्टम विक्रांत इन द यूपीएससी, देयर इज आल्सो अ कास्ट सिस्टम इन बॉलीवुड, वेयर इज दोज हु आर बोर्न इन बॉलीवुड फैमिलीज डू यू थिंक find it much easier than those who are coming from rank non Bollywood families? Of course. Does it play into that dynamic as well? Of course. But there are many ways to look at it. You definitely have it easier. You know, if you come from a film background, you really don't have to go through the grind. But what I also very strongly believe is that merit is the utmost important thing, because there are so many filmy kids, or you know, kids that come from film backgrounds, and in the last 10, 15, 20 years, we've seen if they're not good at what they do, you're shown the door. But definitely, there is a certain amount of privilege for a boy or a girl who comes from a film background. So I'm sure you realize, Shraddha, already that there is going to be, after the film comes out, people watch it, a lot of pressure from your batchmates, your peers, upar niche ke batches se, wo sab bolenge, acha. फिल्म में तो बड़े उछल रहे हो, अब देखते हैं जिंदगी में क्या करते हैं। सो एवरीथिंग दैट यू डू फ्रॉम हियर ऑन विल बी हेविली मॉक्ड। एहसास है आपको इसका कि आपके हर एक्शन पे अब लोगों की नजर होगी, आपके बैचमेट्स के, आपके, क्योंकि जब कोई मशहूर बनता है तो उसके डिट्रैक्टर्स, उसके खिलाफ बोलने वालों की संख्या भी बहुत बढ़ जाती है। नहीं, बिल्कुल एहसास है और हम लोग तैयार भी हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि हम लोगों की लाइफ एक खुली किताब की तरह से है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम कुछ दोहरा जी रहे या करते कुछ और है और बोल कुछ रहे या मूवी में कुछ और दिखाया जा रहा है। तो जैसे हैं जो है वो एकदम ओपन है अभी तक भी। लेकिन ये एहसास जरूर है कि शायद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा बढ़ गई है। आपको भी इस बात का एहसास है कि पहले, चूंकि आपके बारे में एक किताब भी लिखी गई 12th फेल, उसके बाद अब अगर फिल्म बनती है और लोग उसको देखते हैं तो हर आदमी आपकी असल जिंदगी के हर एक्शन पर नजर रखेगा देखने के लिए कि भाई फिल्म में तो ऐसे दिखा रहे थे, असल जिंदगी में आईपीएस अफसर क्या करते हैं। मैं बिल्कुल एहसास है इस बात का, क्योंकि ये किताब जब अनुराग पाठक ने लिखी थी उस समय अनुराग पाठक मेरे रूम पार्टनर थे, हम लोग 12 साल रूम पार्टनर थे। सो वो सब कुछ पता था और डायरिया भी मेरी सब उसने पढ़ी हुई थी। तब भी मुझे एहसास था कि किताब आने के बाद हम पर काफ़ी नज़र रहेगी, पर मैं उस सदा मेंटली प्रिपेयर हैं और प्रिपेयर पहले भी थे, क्योंकि हमने जीवन में अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया है जिसके लिए हमको दिक्कत हो और आगे भी हमारा कोई इरादा नहीं है। और मुझे लगता है कि किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा, किसी को तो अपने इन लोगों की बात बतानी पड़ेगी जो नीचे से आ रहे हैं। हर आदमी डर जाएगा, हर आदमी सोचेगा, 8, 10, 15, 20, 50 लोग हो सकते हैं, लेकिन कितने सारे हो सकता है कि इससे कई बच्चों को नई रास्ता मिल जाए, हो सकता है कुछ बच्चों को आगे बढ़ने के लिए कुछ नए तरीके का जोश मिल जाए। तो बड़ी चीज़ है वो, ये जो बहुत छोटी चीज़ है, पर्सनल अचीवमेंट या पर्सनल नज़र रखना अलग बात हो गया। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि विक्रांत ने मैदान में जिस तरह का रोल किया है, क्या आपको लगता है कभी कभी कि छात्र जो है बहुत मेहनत करते हैं यूपीएससी क्लियर करने के लिए, इंटरव्यू क्लियर करने के लिए, उसके बाद उतनी मेहनत नहीं करते कि उनको लगता है कि जिंदगी का उनका लक्ष्य ही किसी तरीके से इम्तिहान पास हो जाए। वो है जिस श्रद्धा के साथ वो मेहनत करते हैं इंटरव्यू क्लियर करने के लिए या एग्जाम देने के लिए, उतना एफर्ट वो बाद में नहीं करते। नहीं राहुल जी, ऐसा नहीं है। मैं कहता हूँ कि जब सेलेक्ट हो जाता है ना, उसके बाद आप इतना कंधे पे जिम्मेदारी आ जाती है, इतना वजन आ जाता है। आप सोचिए, एक हायरार्की है, एक सूझ लेके एंड तक की, पूरी प्रशासन की, सिस्टम की, उसमें वो लोग जो करते हैं वो बता नहीं पा रहे। हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या हो रही है कि हमको जज करने के लिए जो सोसाइटी है वो सोसाइटी तय नहीं कर पा रही है कि हमको कैसे जज करे, क्योंकि हम बनाए अंग्रेजों ने, पुलिस को बनाया अंग्रेजों ने, अपनी रक्षा के लिए बनाया, तो हमारे लिए बारे में परसेप्शन अलग है।
अदरवाइज आप प्रेशर देखेंगे ना, आप काम देखेंगे ना, हम लोग मतलब 24 घंटे में से 15-17 काम करते हैं घर में, हम लोगों को जाने का नहीं मिलता, इतना सारा कुछ चलता रहता है कि हम लोगों को फ़ोन बजते रहते हैं लगातार, कुछ ना कुछ चलता रहता है। और ऑनेस्टी से खड़े होना और बात को मना करना, मैं नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, अपने आप में बहुत बड़ी बात है।